अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्वे के टूरिस्ट वीजा के बारे में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्या है और वीजा का कॉस्ट क्या है। कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये जान लीजिए मैं टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा पे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ नॉर्वे का। देखिए, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और ये कंट्री सराउंडेड है माउंटेन से, ग्लेशियर से और डीप कोस्टल फ्लोर्स से। ये कंट्री की कैपिटल है ओस्लो और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन और यहाँ का लैंग्वेज है नॉर्वेजियन। आपको एक मजे की बात बताता चलता हूँ, अगर जिसको वाइकिंग पसंद है तो यहाँ वाइकिंग का 9th सेंचुरी का प्रिजर्व शिप रखा हुआ है यहाँ के वाइकिंग शिप म्यूजियम में। आप जाकर के देख सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं नॉर्वे तो। नॉर्वे फेमस है अपने फिशिंग से, हाइकिंग से, स्कीइंग से और ओलंपिक पार्क से, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है। नॉर्वे में कुछ फेमस प्लेसेस है, अगर आप नॉर्वे गए तो ये जगह आप जरूर घूमें जाकर के। द नॉर्दर्न लाइट है, लोफोटेन है, सेंजे आइलैंड एडवेंचर है, गे रेंज फोर्ड है और बर्जन है, मतलब और भी बहुत सारे जगह हैं। मैं आपको कुछ टॉप क्लास का जगह बताया हूँ कि आप अगर गए तो यहाँ ज़रूर घूमें जा कर के। ये सब का मज़ा लेने के लिए आपको लगेगा प्रॉपर वीज़ा, प्रॉपर शेंगेन वीज़ा आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग के लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। हम इंडियंस वीज़ा ऑन अराइवल में नहीं जा सकते, आपको प्रॉपर शेंगेन वीज़ा लेना होगा इसके लिए। अब बात करेंगे कितने तरीके का वीज़ा है। यहाँ है शेंगेन वीज़ा, नेशनल डी वीज़ा, एडुकेशन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, फैमिली एंड फ्रेंड वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल वीज़ा। हम लोग बात करने वाले हैं शेंगेन वीज़ा के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या है शेंगेन वीज़ा का। शेंगेन वीज़ा का फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप नॉर्वे जा रहे हैं तो जो जो शेंगेन पार्ट में आता है ना वो आप घूम सकते हैं, जो जो कंट्री शेंगेन पार्ट में आता है। अगर आप शेंगेन वीज़ा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं शेंगेन वीज़ा के ऊपर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन बात की तरफ, एलिजिबिलिटी क्या है नॉर्वे के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। देखिए, सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए और दूसरा है ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रखना है। अब हम लोग बात करेंगे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं नॉर्वे का टूरिस्ट वीज़ा, आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। स्टेप 1 है, आपको पहले वेरीफाई करना होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं उस वीज़ा के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कीजिए और आपको कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ शो करना होगा। स्टेप 2 है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो आपके पासपोर्ट में डिटेल है ना आपको वही चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म में भी देना है। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ रहा है फिल करने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो ले आऊँगा। स्टेप 3 है, आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। स्टेप 4 है, आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट करवाना होगा। स्टेप 5 है, आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा नॉर्वे के कॉन्सुलेट में या फिर एम्बेसी में जो आपके स्टेट में है, और आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा वहाँ और उसके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट किए उसको लेके जाना होगा। यहाँ आपका बायोमेट्रिक होगा, जैसे आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। ये था कैसे आपको अप्लाई करना है। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, इसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेजेस ज़रूरी है। सेकेंड है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको मैं पहले बोल दिया था प्रिंट आउट करा के रखने के लिए, वो यहाँ आपको अटैच करना होगा। थर्ड है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड होगा तो बेटर है। उसके बाद आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, देन आपका होटल रिजर्वेशन लगेगा, देन आपका एयर टिकट लगेगा, देन उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा लास्ट 6 मंथ का। उसके बाद आपको कवर लेटर और आइटिनरी दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कवर लेटर और आइटिनरी सही रहा तो आपको 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन के अंदर में ये वीज़ा मिल सकता है। आपको कवर लेटर और आइटिनरी एकदम सही रखना है। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे बनाना है तो मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर लें। इतने इजी वे में बताया हूँ कैसे आपको आइटिनरी बनाना है और आपको कैसे कवर लेटर बनाना है, बहुत इजी वे में है, आप प्लीज़ जाके चेकआउट करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये था डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम क्या है नॉर्वे के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। देखिए, 15 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। अगर कॉन्सुलेट और या एम्बेसी में प्रेशर रहा तो 45 डेज हो जाता है, पर आप
अपना वीजा अप्लाई करिएगा 6 महीना पहले। ये रूल होता है, एक रूल रेगुलेशन से चला जाता है कि आपका नंबर कब आएगा। अगर आपको जाना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पहले से, तो ये एक सेफ्टी रहता है। अब बात करेंगे हम लोग फीस कितना है। देखिए अडल्ट का है 80 यूरो, और जो 6 से 12 साल के हैं उनका है 40 यूरो, और जो 6 साल से कम के हैं उनका 1 रुपये नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं है, फ्री है उनके लिए। ये थी कंप्लीट डिटेल नॉर्वे के टूरिस्ट वीजा पे। होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।